ना नाजक ना सोहनी उत्तों छत्ती चक दी पुठे हाथ नाल 12 पट्टे चक दे यार तू किस तरह सोचे हुन दस भाई वो ऐसा मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था अमजद इस्लाम अमजद कहते मैं ये तसव्वुर मैं कह रहा तुसी शरीफ आदमी हो तुसी ये किथे सोचा है आई कैन लव यू मोर देन एनीबॉडी एल्स आई मीन इट ओ आई कैन लव यू मोर देन एनीबॉडी एल्स आई मीन इट यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया सदा दिल बेकरार हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ की ई ट्रांसमिशन में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। ईद का दूसरा दिन है और मैं हूं आपके साथ आयशा जुल्फिकार और मैं हूं उसैर मलिक। जिस तरह से हमने आपको ईद के पहले रोज अपनी स्पेशल ईद ट्रांसमिशन के जरिए और इतने जबरदस्त मेहमानों के जरिए आपको एंटरटेन किया, गाने सुनवाए, कलाम सुनवाया अबरारुल हक का, तो आज का दिन भी हमारा बड़ा जबरदस्त होने वाला है। आज हमारे साथ अबरारुल हक साहब, जैसा कि हमने कमिट किया था, वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ आशा कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ आज यहाँ पर। कुछ नए मेहमान हमारे प्रोग्राम की जीनत बने हैं। नए तो नहीं है, हैं तो बहुत पुराने आशा ये वो वाले पुराने मेहमान हैं। इनके तारुफ में मैं ये कहूंगा कि जैसे इरफान जहीर ने कहा था ना कि मैं आपको जवानी के वक्त से सुन रहा हूँ तो आप कुछ ऐसे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जिनमें इमरान सनाउल्लाह साहब हैं। इनके बारे में कह सकता हूँ कि मैं आपको बचपन तो नहीं चले जवानी से आपको खबरें पढ़ता देख रहा हूँ। मैं शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया फटे पुराने इमरान से करने के लिए हमारे पास बहुत सी बातें हैं। अब हम अपने दूसरे मेहमान की तरफ बढ़ते हैं, हमारी कुलीग फातिमा। वैसे तो उनके बारे में आप उनकी शान में जो भी कहें वो कह सकती हैं, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि हम सबके अंदर एक बच्चा होता है शरारती सा, इनके लहजे में वो बच्चा है। अच्छा इनके लहजे में भी है, इनके लहजे में कि ना सबको सब मत बताएं, कुछ राज रहने दें। दरअसल हम तीसरे मेहमान का भी तारुफ करवा दें अपने साथ, फैजान हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। फैजान आपको फैजान क्या चाहते हैं, बात किया है मैंने सिद्रा का नाम बदल दिया। अच्छा इस पे एक लतीफा है फैजान इकबाल पे, हम साथ बुलेटिन कर रहे थे तो मेरा ख्याल है शायद फर्स्ट हमारा साथ बुलेटिन था तो फैजान ने अपने नाम के साथ मुझे इंट्रोड्यूस करवा दिया सिद्रा इकबाल। वो आज हमने आपका बदला ले लिया सिद्रा इनसे, आज हमने फैजान से आपका बदला ले लिया। फैजान कैसे हैं आप, आपको ईद बहुत मुबारकबाद। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। फैजान बताएं आपने कहीं जाना था, कुछ मसरूफियात थी आपकी, लेकिन वक्त निकाला। एहसास इस दफा ये है कि इससे पहले जितनी ईदें थी उनमें हम लेने वालों में होते थे, इस दफा काफी कुछ देने वालों में। अबरार भाई वो पढ़ाने का सिलसिला था, पढ़ाते रहे आप, तो वहाँ से मौसीकी की तरफ ये इतना चेंज किस तरह से आया? मौसीकी तो बहुत अरसे से थी। मैं जब स्कूल में था तो हमारे स्कूल में एक टीचर आया करते थे जो हमें, वो आपका एक होता ना छोटा सा ग्रुप जो पाक सरजमीन शादबाद जो क्वायर होती है, असेंबली हुआ करती थी उसमें, तो उसमें वो हमें तरबियत दिया करते थे। तो वहाँ से फिर म्यूज़िक का शौक़ हुआ और करते करते मैडम नूर जहाँ का वो गाना मैं बड़े शौक़ से गाया करता, जब मैं बिल्कुल छोटा सा था बेबी, मुझे याद नहीं है, घर वाले बताते हैं कि वो कहंदे ने नैना एक गाना था। हाँ। तो तुम उस पर बड़ा झूमते थे, जबरदस्त। तो वो वहाँ से आपकी पसंद बड़ी शानदार शुरू हुआ और फिर साथ साथ मैं गाता था, स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे, नातिया कॉम्पिटिशन्स, तकरीरों में भी हिस्सा लेना, गेम्स में भी। तो एक्स्ट्रा करिकुलर वाला बच्चा होता है ना, उसमें काफ़ी एक्टिव, प्रोटोकॉल भी मिलता है टीचर्स की तरफ, स्कूल के स्टाफ की तरफ, बिल्कुल मिलता है उसको, ज़रा प्रिविलेज होता है। स्कूल के लिए प्राइजेस विन करके लाते थे हम। फिर जब ये एचएसएन में पढ़ा रहा था तो उन्हीं दिनों ये गाना आ गया बिल्लो दे घर, तो वो स्विच कर लिया मैंने। अब वो गर्मियों की छुट्टियों में ये रिलीज़ हुआ, उसके बाद कॉलेज गया तो अजीब बच्चों के अंदर एक वाइब सी थी कि वो हमारे टीचर ने जो गाना उससे गाना पहले गाया और वो इतना हिट गाना पूछे थी और वो शागिर्दों ने जा के बताया होगा ये हमारे उस्ताद हैं जिनका गाना है। हाँ, लेकिन अब भी मिलते हैं और बड़े एहतराम के साथ, मैंने स्कूल के डिसिप्लिन को हमेशा ठीक रखा है। लेकिन इब्रार भाई एक रिसेंटली उसी जिस स्कूल का आपने नाम लिया वहाँ पर एक वाकया भी हाल ही में पेश आया, उस पर आपको राय देना चाहेंगे, कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आप वाबस्ता रहे हैं इसलिए आपसे जानना। जी जी, देखिए वो दर्शगा कोई भी हो ना, उसका डिसिप्लिन और वहाँ पे मेरिटोक्रेसी जो है वो बरकरार उसका रहना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज वो पूरी एक जनरेशन्स का मामला होता है। बेशक। तो अच्छा हुआ कि वो प्रिंसिपल साहब अभी यहीं पर हैं। जब मैं था वहाँ पे तो मेरा इंटरव्यू उन्होंने किया था, वो भी उनको हिटलर कहा जाता था। अच्छा। हाँ। इन्हीं प्रिंसिपल साहब को? वो जो थे हमारे। अच्छा। शमीम एस खान साहब, और वो हिटलर जो होता है वो बच्चों के लिए उनका डिसिप्लिन कायम रखने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी बनाने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता जरूरी है। तो
कनाडा में मुझे अपना एक शागिर्द मिल गया, तो मुझे तो याद नहीं था ऑनेस्टली। तो वो उसने इतना मतलब हमारे प्रोमोटर्स को उसने अप्रोच करके किया कि मैंने सर के लिए फंड रेजिंग कराना है। अच्छा। तो उसने अपना नया एक रेस्टोरेंट बनाया था, उसमें उसने फंड रेजिंग कराया सहारा का, और उसमें काफ़ी ढेर सारे फंड्स को 100,000 कैनेडियन डॉलर्स इकट्ठा हुआ, विच इज़ नॉट बैड। तो इस तरह हर जगह फैले हुए हैं शागिर्द, और वहाब रियाज इज़ वन ऑफ देम। अच्छा अच्छा, यस, दिस इज़ व्हाट ही क्लेम्स, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है वहाब, बट वो कहने लगा सर आपको, आपने मुझे पहचाना, मैंने यार आप वहाब रियाज हो, नहीं सर एक और रेफरेंस भी, मैं क्या सर यू आर माय टीचर एट एचएसएन। अच्छा जबरदस्त, ओए अच्छा, डोंट मेक मी फील दैट बुड्ढा यार। अच्छा वैसे जैसे आपने स्टूडेंट्स की भी बात की, हमने देखा है कि आपके सॉन्ग्स जब माशाल्लाह इतने हिट गए, और एक बॉबी दौर था जब जिस घर में भी जाते थे तो टेप पर भी कोई सॉन्ग्स बज रहा होता था ना, कैसेट्स इनकी होती और उनके घर जाने के लिए जो सवारी इस्तेमाल की जाती थी उसमें भी बज रहा होता था। एग्जैक्टली, और अब एक दौर है कि सोशल मीडिया का दौर है, उसमें क्लिक्स में आपके सॉन्ग्स जो आते हैं वो चलते, तो आपने ज्यादा किस फेज को एंजॉय किया है, वो जो टेप में आपके सॉन्ग्स चलते थे या अब वाला? वैसे उसको भी मैं हर गाड़ी के अंदर चल रहा होता था, हर छत पे, उस वक्त जो बसंत की फेस्टिविटी थी ना उसको हम बड़ा मिस करते हैं, बसंत पे चलते ही सिर्फ हर जगह वो चल रहा होता था। अभी भी शादियों में जाता हूँ तो नाच पंजाब बन लगा हुआ होता है, मीम्स बन रही होती हैं, ऐसा तेरी गर्ल करने का। इस तरह बात ना करें, आपके डिजिटल की टीम भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, आपके डिजिटल पे बड़े क्लिप वायरल है। अच्छा, आपकी सिंगिंग तो है ही, वो उसके अलावा जो मिमिक्री करते हैं और जो इस तरह की वीडियोज वहाँ पर मौजूद है वो उनके मिलियन में व्यूज है, तो डिजिटल पे भी आप छाए हुए हैं इस तरह। अब अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड, जितना भी शुक्र करें वो काम है, लेकिन मैं मिमिक्री मतलब मेरा मेरे से हो जाती है, मैं अपने आप को एज अ कॉमेडियन आगे नहीं हो जाती है, है ना। इमरान साहब आपको शेरो शायरी से बड़ा लगाव है, आप खुद भी शायरी लिखते हैं, इमरान साहब आजकल दीवान खंगाल रहे हैं शायरी से शगफ हुआ हुआ है। अच्छा, रोजाना स्टूडियो में हमें दुराने बुलेटिन ब्रेक में कोई ना कोई नया शेर सुना रहे होते हैं, तो इमरान साहब प्लीज कदरदान मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कोई हो जाए शेर सुना दे, सुना दे, अब तो वहां से भी फरमाइश आ गई। एक्चुअली चक्कर ये है कि शेर तो मैं सुना देता हूँ, लेकिन वो इनको समझ भी आ जाए तो ये दाद नहीं देते। हम बिल्कुल दाद देंगे, आप शेर सुनाएं। दूसरी बात ये है कि जानबूझ के चुप रहेंगे ये लोग हसद में। मैं वैसे आपको एक छोटा सा शेर सुना, यार हम इतनी बुखील ऑडियंस नहीं है, छोटा सा शेर दाद देंगे इस पे। छोटा शेर हुआ, छोटा सा शेर, तुमने चुप रह के, छोटा शेर है साशे में पैक करवा। अच्छा, तुमने चुप रह के, ये पिछली ट्रांसमिशन में हो चुका है, इमरान साहब इस तरह ना करें, सुना ले दो। कोई नया सुनना चाह रहा था मैं, चले चले जो आज। तुमने चुप रह के, ये वही है जो बुलेटिन में सुना रहा। चले आप बोले, अब सारे चुप, आपका प्रोग्राम यहां रुक जाएगा। चले आप, अब मैं भी कह सकता हूँ कि तुमने चुप रह के ठीक किया था। नहीं नहीं, अब हम सब हमतन गोश हो गए। एक मिनट पहले मैं बंदे बंदे से पूछना, जी इजाजत है। तुमने चुप रह के और भी सितम ढाया मुझ पे, वाह। तुमने चुप रह के और भी सितम ढाया मुझ पे, तुझसे अच्छे हैं मेरे हाल पे हंसने वाले। इसलिए हम बोल रहे थे बार बार, हम चुप रहने वालों में शामिल नहीं होना। समझ ना पाए क्या कहना चाहते हैं। मैं एक शेर इब्राहिम भाई के लिए कहना चाहता हूँ। जबरदस्त, क्यों नहीं, क्यों नहीं। खुद चल कर आया हूँ, उठा कर नहीं लाया गया, खुद चल कर आया हूँ, उठा कर नहीं लाया गया, कोई शक है तो मेरे पाँव के छाले गिन लो, जब आया था तो तन्हा था मैं, गिना था तुमने, आज हर तरफ मेरे चाहने वाले गिन लो। वाह वाह, जबरदस्त, ये तो एक पर उला रहे हैं। अच्छा, चलें इस दुख को कम करने के लिए अब आप कुछ सुना दीजिए। अब आपने सुनाया, मैं कुछ सुनाऊंगी तो शो इधर ही खत्म हो जाएगा, मैं चुप रहना चाहती हूँ। इमरान साहब, एक ये होता शेर। अच्छा अच्छा, मुझे मुझे एक चीज मैंने आपसे पूछनी थी, मेरे ज़हन में बहुत देर से सवाल था, मैंने शुरू में भी बेबी शार्क डूडू की बात की थी, ये उस टाइम की बात है, मेरा बेटा बहुत छोटा था और वो बहुत ज्यादा देखता था, ये आपका सॉन्ग उसी टाइम पे आ गया। मैंने कहा ये क्या मतलब है, ये हम माओं का ताना मार रहे हैं इन्होंने। यहाँ वक्त बच्चे को ये दिखाती रहती है। देखो हर घर की ये स्टोरी, हमारे घर में भी ये चल रहा होता था हर वक्त। देखो जब हम इस तरह की कोई बात करते हैं ना, तो वो हमारा इशारा पूरा मिनासुल कौम, हम जो चल रहा होता है उसके ऊपर होता है, और तनकीद वो बाकी लोगों पे नहीं, वो अपने आ जाते हैं, सब आ जाते, और उसमें सिर्फ माए नहीं आती, बाप भी आ जाते हैं, कि अगर बाप की भी जिम्मेदारी है तो वो भी यही लगा के देगा ना उसको, जिसपे बच्चा जो है हुक कर जाए और उसको एंजॉय करे, इंगेज करके अपने काम कर लो। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, हमारी माएं बहुत ही मजेदार होती थी। मुझे तो अम्मी के गुगले गुगले से बाजू याद आते हैं, मैं उन पे सर रख के सोता था, बहुत मजा आता था।
हमें अपने याद आ जाते हैं, छुपे हैं, बहुत कुछ छुपा है, छुपा रहने दे। फिर गाने की तरफ जाते हैं, हमें गाना सुनाए हमें अच्छा सा। साथ गुनगुनाए। ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। आपने इतना सूफी बातें की, रिलीजियस पॉइंट से बहुत अच्छा है, इंस्पायरिंग है। दूसरी तरफ से ये जो टुर्दा फिरदा केस पे लग दिए 302, ये किसको सोच के आपने गाना गाया था, ये मैं सुनना चाहती हूँ। एडी सोनी लग दी, ये पतलो जाई। हाँ, सुखियां सुखियां बावां सुख, ये फील किया गया गाना। मुझे अभी अंदाजा नहीं है। मैंने बता दिया ना। I'm not afraid to die.
जी कल रिलीज हुआ है, प्यार दे रंग बिछरंगे। अगर ये कल रिलीज हुआ है तो फिर आशा हमारे लिए तो एहसास की बात है कि इन्होंने लाइव हमें सुनाया है और क्या खूबसूरत कलाम है, क्या मजा आया ब्रार भाई इसका। मुझे खुद इसका बड़ा मजा आया है और ये मैंने तीन लोगों को डेडिकेट किया। अच्छा, वो कौन से तीन शख्स? साईं नजीब सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत अल्लाह के वली हैं, बुजुर्ग हैं। आपदा परवीन साहिबा, लिविंग लेजेंड, हाँ, और उनसे इंस्पायर्ड भी है। और तीसरे मलिक हुसैन मुबशर साहब, जो एक वली थे अल्लाह के। आपदा साहिबा भी अल्लाह की वली हैं और मलिक हुसैन मुबशर साहब की वो मुर्शद हैं और उनके मुर्शद ये साईं नजीब सुल्तान। अब ये देखिए, रंग रंग जो मैंने लिखा था, अल्लाह ने मुझसे लिखवाया, उसमें हमने बात की थी, अल्लाह की तारीफ की, तेरे रंग हैं अल्लाह के। फिर उसके बाद एक समझ लें इतराफ था कि तूने अता किया, मैंने भुला दिया। और आखिर पे थी कि कम से कम मुझको लौटा दे वो रूह और जिस्म की जंग, कि कम से कम एट पार तो आए ना, फिर इंसान होता है। कि आपका कलाम भी बहुत खूबसूरत है और आपकी बात भी बहुत खूबसूरत है। और कलाम मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत जो तोहफा है अल्लाह का, वो आवाज ही है। आप कुछ भी डेडिकेट कर सकते हैं, आयशा मैं कैसे सवाल अगर आपने जंप कर लिया तो हम आपको वेलकम कर देते हैं। और अब हम आपकी तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अब्रार भाई का जिस तरह से कलाम बड़ा अच्छा है ना, नरेशन बड़ी खूबसूरत है, जो उन्होंने समझाया ना, जो उन्होंने कहा है अपने कलाम में, वो बड़ा खूबसूरत है। तो अब हम मेरा ख्याल अपने मेहमानों का एक एक मुझे मुहावरा याद है, वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, हमें इंट्रोड्यूस करवाया वापस। चले इंट्रोडक्शन देने का मौका दें, एक मुहावरा जो अभी बिल्कुल सही बैठते हैं इमरान पे, आप दें हमें तीन मुल्लाओं में मुर्गी हराम। ये वैसे हो गया, हम में से मुर्गी कौन है, ये कई मुल्लाओं में तीन मुर्गियों में मुल्ला हराम। ये मुहावरा इस तरह से पलट गया है। हमें अब ज्वाइन कर चुकी हैं ज़ैनब यूसुफ साहिबा। ज़ैनब आपको वेलकम, आपको ईद की बहुत मुबारकबाद, इतनी मोहब्बत दी मुझे सुनो ने, लाइक मुझे वन ईयर ही हुआ है आप लोगों के सामने पड़ी पड़ी मैं। अच्छा शायद ऐसी वाइब आ रही है जितना मुझे वेट करवाया गया आज। हाँ ये बात है ना, आपका वेट कम ना हो, मजीद कम ना हो। तो ज़ैनब तो हमारे साथ मौजूद है, साथ आपकी एक बहुत खास दोस्त है, माया नाज एंकर है, जो कि हमारे दरमियान आज नहीं है, हमारे में लड़ाइयां हो गई ओए होए सर जंग यार। मेरी तमहीद पे गौर करें जरा, मैं बात करूं कि हमारी एक माया नाज एंकर जो अब इस इदारे में नहीं है, किसी और इदारे में है, उन्होंने माहम को सुनो की सिंड्रेला का लकब दिया था, आपको याद होगा। तो माहम अब हमारे दरमियान मौजूद है और इब्राहिम भाई मजे की बात ये पता है उनकी याद में, सॉरी आपकी बात काटती हूँ, उनकी याद में मैं सोच रही थी कि वो यहाँ होती तो ऐसा इंट्रोडक्शन देती, मैंने भी कमी नहीं की। क्या बात है, आपने ठंडा ठंडा कर दिया, माहम आई और पता भी ना चला। वैसे मेरा एक क्वेश्चन था, पहले मैं पुट कर, जी जी आप पहले पूछ। आपने इतना सूफी बातें की, रिलीजियस पॉइंट से बहुत अच्छा है, इंस्पायरिंग है, दूसरी तरफ से ये जो टुरदा फिरदा केस पे लग दिए 302, ये किसको सोच के आपने गाना गाया था, ये मैं सुनना चाहती हूँ, ये कैसे विजन हुआ आपका और आपने ये गाना गाया? बड़ा अच्छा सवाल है वैसे। लोग एक स्पिरिचुअल एक साइड है और एक मजाहिया साइड भी होती है लाइफ की, और ये उस गाने की तरफ इशारा करी है, किड्डी सोनी लग दी ये पतलो पतलो जाई, हाँ सुखियां सुखियां बावां सुख, ये फील किया गया गाना। ये देखिए माहम क्या चाहती है, ये डेडिकेट करें आप इसको, सुखियां सुखियां ये इतनी मोटी तो है, मुझे अभी अंदाजा नहीं है, मैंने बता दिया ना, ऑब्जर्व भी किया जी। तो ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इट्स डेडिकेटेड टू यू, आई नॉट, मैं तो उस लेवल की सेहत को एंजॉय करने का मशवरा, 36 चक वाले चले गए, अब नाजू की बच्चे हैं हमारे। हमारी शादियों में इवेंट्स में कोई ऐसा फंक्शन नहीं जहां इब्रार साहब के गाने ना चलते, पंजाबन तो हमेशा में कोई, और अच्छी बात ये है ये भी गाना बचपन से सुनती है, 20 ईयर वैसे भी मेरा बचपन चल रहा है, क्या हो गया, सॉरी 20 शादियां भुगत चुकी हूं, लेकिन नाच पंजाबन पे हर शादी में डांस किया। हम किसी भी कॉन्सर्ट पे गए ना, वहां सिंगर नहीं आया, तो उन्होंने कहा इब्रार साहब के गाने लगा दे, सारे नाचना शुरू, नहीं है माना, तीन खवातीन है, लेकिन आप बात कर सकते हैं, माहौल बदल गया है जरा, एक जेन जी टाइप माहौल हल्का सा ना, एक मुझे वो वाली वाइब्स आ रही है, और मैं तो इनके अंदर बड़ा खुश होता हूँ। आपने ब्रेक से पहले एक बात की थी कि मेरा एक दोस्त है, वो कहता है हर साल एक क्रश बदल जाता है, कहीं वो आप इनडायरेक्टली अपनी कैफियत का इजहार तो नहीं कर रहे?
माशाल्लाह भाई ऐ कुड़ी अल्लाह दी वली बने आपने घर भी जाना इसने तो कोई चिल्ला भी नहीं काटा आपने ऐसे ही बना दी नहीं ये जेबे काट के बने इमरान कौन आप ही बोल रहा है लकी हो भी सकता है नहीं मैं जो हूँ ना मैं थोड़ा सा परेशान बैठा हूँ अच्छा, परेशानी की वजह क्या देखिए ना यहाँ तीन लड़कियाँ इतनी तितलियों में आप परेशान अच्छा और इब्रार भाई को छोड़ के यहाँ भी दो हाँ जी हम समझ गए आपकी बात जिस तरह से बंदा हर बंदे को लड़के को बातें लगा रहे हैं इसमें भी एक लड़की चुभी हुई है देखिए फिर मॉडरेटर का ये अच्छा, रोल तो प्ले करना है ना यहाँ बैठ के हर लड़के में हल्की हल्की सी लड़की छुपी होती है हाँ जी करना और क्रीम शेप वालों में तो ज्यादा है ना अच्छा ये वैसे और डिंपल भी पड़ते हैं हम हमेशा इस चीज पे मजाक करते हैं अच्छा थोड़ा सा मैंने आपको देखा ना इनकी बात मुझे ठीक लगी मतलब आपके चेहरे में भी है किसी ने कहा था ना नजाकत नजाकत उसके लब की क्या कही है पंखड़ियां गुलाब नहीं यार नहीं वो वडायत साहब मेरा इंटरव्यू कर रहे थे ना मैंने दो तीन और जगहों में भी सुना है तो बड़ी मजेदार फनी फनी सवाल करते हैं वो कहते हैं आपको हुस्न अच्छा लगता है तो मैंने कहा जी हाँ जी अच्छा लगता है सबको ही अच्छा लगता है किस किस्म का हुस्न में क्या देखते अच्छा मैंने कहा यार ये बंदा ना इस तरफ डिटेल में चला जाएगा तो बेहतर है इसको रोको यही अच्छा मैंने कहा कोई ऐसा जवाब दो मैंने कहा यार मैं ना स्माइल देखता हूँ स्माइल मैंने कहा इधर बात खत्म हो जाती है यहाँ से तो शुरू होती है ये वाकई वली है ऐसे ये मैंने कहा था ना अल्लाह की वली ये दिलों का हाल भी जानती है उम्र में यहाँ पे और उस वक्त से माशाल्लाह मुस्कुरा रही है उसने क्या देखा मैं कह जी मैं स्माइल देखता हूँ स्माइल में क्या देखते लब देखते दांत देखते या फिर रुखसारों का बदलता हुआ रंग देखते मैंने कहा यार आप कहते सवाल कैसे करते कि वो कहां दूर की कौड़ी लेके आए इमरान देखो तुम्हारे लबों से लब किधर है इमरान साहब आप कुछ कह रहे थे पहले कुछ कहना चाहते हो तो बोलो इमरान आप तो खामोश हो गए आप अपने होंठो को जुम्बिश दे सकते हैं इमरान प्लीज से समथिंग आपको अगर आप अलोन अलोन फील करें मैं यहां सेंटर हां आपको हम सेंटर में बिठा सकते हैं जरा कंपनी एंजॉय करें नहीं नहीं ठीक है मुझे लगता है सेंटर में ज्यादा तकलीफ होगी वहाँ उजैर भी है एटलीस्ट कोई तो सहारा है मैंने उजैर को भी बोल दिया कि वहाँ भी तीन लड़कियां भाई से तकलीफ क्या है आपके लिए इमरान क्या भाई से तकलीफ है आपके लिए ये तो सेफ जोन है सारा सारा खतरा है यहाँ से अटैक आ रहे हमें अपनों ने लूटा गैरों में तो बार बार लूटा यार क्या चक्कर है ये कुछ इसका मतलब ये है कि ये भी ख्वाहिशमंद है लूटने के कुछ कनेक्शन है इसलिए तारे मेरे की सिर्फ आए कुछ तो यहाँ है भाई ये बातें जितनी आप लोग कर रहे हैं ना ये मुझे कटवा दे प्लीज ऐसा मत करें अच्छा हालांकि अमूमन होता है ऐसे कि लड़कियां आपस में ना जेलसी के चक्कर में लड़ रही होती हैं जी इधर उल्टा देख रहा हूँ मैं यहाँ पे उल्टा इधर दोस्ती इतनी ज्यादा है कि वो रोजाना की बुनियाद पर जुमलेबाजी चलती है या तो ये वजह है या फिर यहाँ पे भी आज आपको देखिए या फिर जो मैंने गाना गाया था ना चमकीली बारात लेके आप आइए अच्छा सारे शायद चमकीली मेजर मुंडा माइनर लगता है जी तो थोड़ा सा डिजाइनर लगता है अब देखो ये आजकल जिस तरह के लड़के मार्केट में आ रहे हैं ना बिल्कुल ठीक जिस तरह के लड़के मार्केट में आ रहे हैं मुझे लगता है वो दिन ज्यादा दूर नहीं 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 ऐसी बात नहीं है हमारे हमारी सुनो की फैमिली में हम सब में प्यार बहुत है हम ज्यादा टाइम मैक्सिमम प्यार स्पेंड करते हैं तो खाना साथ खाते हैं काम कर रहे हैं न्यूज दे रहे हैं तो वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे एक दूसरे को साथ फन किया तो वो इसलिए हमारी झूठ बोल रही है इंशाल्लाह नहीं नहीं हमारी तो जो हमारी शिफ्ट के लोग हैं माशाल्लाह वो तो बड़े हमारी शिफ्ट के लोगों को निकाल के बाकी सब में प्यार ही है नाज़रीन हमारी ये खुशियों भरी ट्रांसमिशन इसी तरह से जारी है दमकते चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक से वापस जब आएंगे तो ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे आप कहीं मत जाइएगा बिल्कुल बनाओ टिकट कटाओ लाइन बनाओ टिकट कटाओ लाइन बनाओ टिकट कटाओ लाइन बनाओ
विधायक, आपको एक बार फिर से सुनो कि ई ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहते हैं। इब्राहिम हक भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा इब्राहिम भाई, एक संजीदा सवाल, आपकी जाए पैदाइश कोई और शहर है, लेकिन आपने सहारा का और बाकी जितना फलाह आमा का काम किया, इसके लिए आपने नारोवाल को मुंतखब किया, इसकी क्या वजह, ये भी लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जाए पैदाइश तो मेरी फैसलाबाद की है। मेरे फादर जो सिविल सर्विसेज में थे, जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती थी सारे बच्चे वहीं चले जाते थे, तो लेकिन आबाई गांव हमारा नारोवाल, जहाँ दादा परदादा, और फिर बड़ा रिमोट रूरल एरिया है वो, जहाँ कोई हॉस्पिटल ही नहीं था। जब हमने हॉस्पिटल बनाया वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था, 4 मिलियन का कैचमेंट, और हमारे MNA साहब कई दफ़ा मिनिस्टर रह चुके थे बेशुमार, लेकिन गाँव का जैसे माहौल होता है, इनसे तो ऐसे ही वोट ले लेंगे, इनको कोई इनकी खिदमत की जरूरत नहीं, भेड़ बकरियां समझ के। और मर जाते थे लोग, हॉस्पिटल नहीं लाहौर पहुंच पाते, क्योंकि लाहौर था करीब तरीन हॉस्पिटल, तो इसलिए वहां बनाया। फैसलाबाद में तो बहुत बड़ा शहर है, बड़ा शहर का मैनचेस्टर कहते हैं। कहीं आपकी गर्लफ्रेंड तो वहां नहीं रहती थी? ये मेरी गलत तर्जुमानी की जा रही है, ये मेरे जज्बात बिल्कुल नहीं है, मुझे पता है, ये वही स्टक है, ये निकलवा के रहेगी आपसे इब्राहिम साहब लड़कियों के नाम बता रही हूं, एंड तक इसने सारी लिस्ट निकलवा ली, जाए पैदाइश से अब तक उन्हें तो याद नहीं होगी। तैयब यार, लिस्ट तैयार करना लड़कियों को। इब्राहिम भाई, एक पहले आपने इतना बड़ा पलंदा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, उसमें नाम थे, उसमें आपने, मुझे यकीन है उसमें आपने अपनी वाली परवीन का नहीं लगाया होगा। अस्तगफुरुल्लाह, नहीं। अच्छा वैसे एज के साथ, हर एज का एक फेज होता है और आप उसके साथ कुछ मैच्योर होते हैं या कुछ चीजें सीखते हैं, म्यूजिक में भी ऐसे फेजेस होते हैं? हाँ। क्या मतलब? पहले आप गाते थे बिल्लो, फिर आपने कुछ और थोड़े गाने, थोड़े से और स्टाइल के गाना शुरू कर दिए, अब आके आप कुछ सूफियाना कलाम भी गाते हैं। देखो, सूफियाना कलाम में शुरू से लेके चल रहा हूँ, हर इंसान के अंदर एक सूफी भी होता है, और वो सच्चा कलाम है। जी, ये जो लाओबाली, बिल्लो दे घर जाना, बैजा साइकिल थे, ये एक फन वाले गाने, क्योंकि लोग पसंद भी करते हैं, और एक माड़ा आदमी साइकिल वाला, उसको भी तो एक रोमांस का शौक है ना। ये तो नहीं कि सिर्फ गाड़ी वाला ही कर सकता है यार। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी आपके गाने बहुत हैं। तब आपके पास साइकिल थी या गाड़ी, जब आपने ये मेरे पास तो खैर जो भी था, लेकिन उनका हक तो है ना जी, क्योंकि वो भी अगर बिठा नहीं सकते तो कम अज कम बात ही करें। कुड़ियां लौट दियां, मेरा ख्याल आपके हिट सॉन्ग में से है ये, और बहुत अभी तक लोग पसंद करते हैं इसको। इसके हवाले से कैसे आपने सोचा कि लाहौर की कुड़ियों पे ऐसा सॉन्ग बनाए? ऑनेस्टली देखो, मैं अगर सच बोलूं ना, ओ ये मेरे ये कोई गाने हैं, मतलब ये बोलो ना तो आप लोग सुन ना सके। बड़ी ये शरारती है यार भाई, आपको क्या सबसे छोटी है तो माफ कीजिए हमारे स्क्वाड में से। नहीं नहीं, माशाल्लाह बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है। आपने जितने हल्का बात से नवाजना, एक बार नवाज ही दे यहाँ, ताकि हमारी भी फिंगर टिप्स पे जुमले पे एक उसका लकब मिल जाएगा। लेकिन फैक्ट ये है कि ये जोड़ मिला मिलू के गाने बना दिए, ट्यून आई जेन में टांग दिन दिन दन्ना जुड़ियां लौर दियां नड़ाहूं। अच्छा, जब मिल जाती है एक पंच लाइन तो उसके ऊपर गाना बनाना आसान होता है, फिर वो पूरा बनता चला जाता है। बिल्लो दे घर जब बना था, मैंने पता नहीं बीच में क्या क्या डाला हुआ था, बकरी चढ़ी खजूर ते टुक टुक सुट्टे बेर, हमें सोते गिद्दे गला दे, हौली हौली चल गड्डी ए की हो ऐसा कल नू, असां ते जाना बिलो दे। इसरार बन कहते हैं, ये क्या तुमने बकरी डाल दिए, इसको निकालो, बकरी बकरी को डालो यार, इसमें भंगड़ा डालो। तो मैंने कहा, भंगड़े दे भंगड़े दे भंगड़ा, पा पा भंगड़ा। कहते हैं ये डालो इसमें, ये डालो। शिद्दत से महसूस किया कि बार बार भंगड़े थे भंगड़ा पा। हाँ, तो वो बस ये इत्तफाक हो जाता है, बन बुन जाते हैं इसमें। अल्लाह ने जब कोई आपको देनी हो ना चीज, तो वो दे देता है। मैं इसमें जितने लोग हमारे स्टार्स हैं वो बताएंगे, ऐसे जैसे हमने बड़ा इसके ऊपर सोचा, और फिर जब मैंने एक दिन मैं बैठा हुआ था फलाना, ये दिसंबर वाला गाना मैंने शार के नीचे खड़ा होकर लिखा, चावर के नीचे। आपको ठंड लग रही होगी उमूमन दिसंबर वाली इसकी डिटेल में जाए बगैर जी, लेकिन वो गाना जुलाई में लिखा गया था, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जुलाई। हाँ, अलबत्ता जो सूफी गाना है जी, वो उसकी एक प्रॉपर फील है, और वो बहुत सोच समझ के लिखा। हाँ, शायद हम जो आर्टिस्ट होते हैं थोड़े बहुत रोमांटिक जरूर होते हैं जी, बिल्कुल। रोमांस में जरूरी नहीं है कि लड़की हो,
एक खूबसूरत मौसम के साथ भी आपको प्यार हो सकता है। तो दिसंबर का मौसम तो फिर इतना ज्यादा खूबसूरत होता है। हम ये कह सकते हैं सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं पोएट लोग, लेकिन दिसंबर का मौसम तो खूबसूरत होता है। छोटी बारी को महसूस करते हैं, उसको लफ्ज देते हैं। मुझे भी पूछने तो मैं कहती हूं तुम्हारी बहन। अल्लाह दी वली बोला। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ सर, ये बताएं कि आपका दिल कभी टूटा है? और दिल टूटने के बाद आपका क्या हो बना? तरजीह की बुनियादों पे प्लीज। मैं छोटा सा बेबी था, मुझे अपने स्कूल की प्रिंसिपल पसंद आ गई। ये तो सब लड़कों की स्टोरी है। पर्सनालिटी को इतनी कमाल थी, चार्मिंग थी। और कहीं वो आपकी हम एज तो नहीं थी? वो सुबह सुबह असेंबली के बाद अपना हाथ यूं रखती थी और सब बच्चे को कह रही, ये लो आप लोग सुबह रैपर्स फेंकते हैं सारे ग्राउंड के। मैं आपको बता रही हूँ आज के बाद अगर मैं उनको ऐसे देख, ओह माय गॉड यू आर माय ड्रीम, यू आर माय लव, ऐसे क्रश लॉस्ट मैडम पे। और फिर मैंने मैंने तकरीर जब पहली की तो मुझे याद है मिस ने कहा कि कौन बच्चा स्पीच करेगा, तो अबू ने कहा था स्पीचेस करनी है तुमने बड़े हो। मैं अगर 3-4 साल का ही था जब उन्होंने स्कूल भेज दिया मुझे, 2.5-3 साल का। तो मैंने कहा मैंने करनी है, तो उन्होंने कहा ये टॉपिक दो घर से लिखवा के लाओ। मैं लिख के लाया, 2-3 और प्रिविलेज्ड बच्चे भी थे वो भी सुना रहे थे तकरीर, मिन कर रहे थे। मिसेस अमजद थी, कहती है क्या मिन कर रहे हो नवीद, चलो। तो अब दूसरा कौन था? मैंने कहा जी मैं था, अबरार हाँ पीछे बैठा था मैं, मुझे यहाँ तक आवाज़ आनी चाहिए। मुझे स्टार भाई ने ट्रेनिंग कराई हुई थी, तो मैंने कहा उमर खान दर काबा बुत खान अमीन आलत अयात ताज बस मैं इश्क जग तराए राज। तो मिस ने ना यूं करके अपनी क्लासेस उतारी और देखा, साथ कॉपी चेक कर रही थी, कैमरा जूम इन हुआ। उन्होंने कहा उठा, मैडम उठी, उन्होंने मुझे पकड़ा, कहती चलो प्रिंसिपल के पास। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, जाके कहती है मैडम चेक करो मैंने जो टैलेंट हंट किया। उन्होंने कहा चलो शुरू, मैं वहीं से शुरू। ओ माय गॉड दैट काबो, मिस प्रिंसिपल ने भी ओ माय गॉड, अब मेरी तो ड्रीम कम ट्रू हो रही थी। उन्होंने आपको हंट किया, आपने उनको हंट किया, ना मजा आया मुझे जी। तो जनाब उन्होंने कहा वेरी गुड इसको। अच्छा मैं बाय द वे फर्स्ट आया था, बस बेबी था, मेरे नीचे कुर्सी रखते थे, मैं उसके ऊपर चढ़ता था, फिर मैं ऊपर स्टेज तक जाता था, फिर माइक में मैं बोलता था और वो सारा। मैं स्टार बन गया स्कूल का, तो मैंने कहा अब तो मैं एलिजिबल हूँ मिस प्रिंसिपल के साथ, अब मैं बिल्कुल। तो एक दिन मैंने मैं छोटी छोटी चीज़ों पे ना मैंने उधर चले जाना, मिस उन्होंने मेरा शार्पनर ले लिया मिस प्रिंसिपल से, वो कहीं अच्छा मैं बताती हूँ किसी को, चलो जमते। थोड़ी देर के बाद मिस उन्होंने मेरी पेंसिल भी ले ली। थे उनसे बातचीत करना चाह रहा था। okay, ये ट्रू लव था। मैं अब बात आगे बढ़ाना चाहता था। तो मुझे कहती है इस तरह करो तो मेरे साथ शादी कर लो। तुम यहीं पे बैठ जाओ मेरे पास। मैं शर्मा गया, मैंने घर आके बात जाहिर है तुम्हें शादी कर लो। 3 साल के बच्चे, आप 3 साल की उम्र से आशिक मिजाज थे। अच्छा मिस प्रिंसिपल ने कह दिया तो मैं तो घर आ गया। मैंने कहा वो मिस प्रिंसिपल मुझे पसंद आ गई है, तो वो सारे हंसे। एक एक दो दिन उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई। मैंने कहा वो मैंने आपसे बात चलाई थी, मिस प्रिंसिपल मुझे पसंद आई है और उन्होंने मुझे प्रपोज भी कर दिया, मैंने शादी करनी है उनसे। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया बिठा के, छोटे बच्चों की शादी नहीं होती, उनकी हैप्पी बर्थडे होती है। मान गए इस चीज पे, फिर मुझे मानना पड़ा, एक कटवा लिया, जालिम जमाना नहीं काट सका। अच्छा वैसे हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया और हमने आपका लेजेंडरी सॉन्ग बिल्लो सुनना है, वो आप जाते जाते सुन के जाने हैं, हम सुनाते हैं। नहीं लेकिन उससे पहले ना, उससे पहले मैं लाइव आपसे वो सुनना चाहती हूँ, वही जो आपने कहा था हो ले वो लाइव करके दे। उस माने का मैंने आपसे भीगा दिसंबर, भीगे दिसंबर का तो मुझे नहीं पता, वो मैंने लाइव सुनना है जो आप ऐसे वो म्यूजिक के अंदर जैसे कैसे करता हूं वो है। मुझे नहीं पता, फिर बताना। मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। किया था तुम एक दो बार तो कर दिया, एक दफा नहीं, अब तीसरी बार नहीं, अब तीसरी बार आपसे, तीसरी बार कबूल हो जाता है, कह दो ऐसा कुछ नहीं आता मुझे। जब आप अब आप बताएंगे मेरे हर गाने के अंदर आपको शरीयत थोड़ी सी नजर आएगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह करना चाहता हूँ मैं, बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि प्रीतम मेरे नाल ब्याह कर ले शरई बात है, उसको प्रपोज कर रहे हैं असा, तेरी गाल करनी डैडी नाल। और भी डिसेंट अप्रोच है कि तेरे बाप के साथ बात करके मैं तेरा हाथ मांगूंगा, डोली भी छुपा के तेनू कर लेके आवांगा मैं जी।
इतना मुनासिब तरीका है, मतलब कहीं मैंने उसको ये नहीं कहा कि अलूप कर जाओ मेरे साथ प्लान इस तरह की उस तरह की। वो जो बिल्लो के घर गए वो तो सारे गए, किन्ने किन्ने जाने, वो बराती थे, अकेला जाता शादी करने। अच्छा फिर ठीक, ये और ज्यादा एजाज की बात, फिर अब हम बिल्लो पे बिल्लो के घर ही जाते हैं। लेकिन लेकिन उससे पहले, लेकिन उससे पहले इतनी अच्छी बातें की हैं, कोई आज के दिन के मुनासिबत से कोई पैगाम ले लें, उसके बाद फिर हम गाने पे चले। जी जी बिल्कुल। यार पैगाम ये है कि नफरत ना किया करें किसी के साथ, ये अगर आप काम कर लें ना और किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे, किसी को फायदा पहुंचाना इज स्टेप टू, स्टेप वन इज किसी को नुकसान ना पहुंचाना। हमारा कलिमा भी ला से शुरू होता है, ला इला इल्लल्लाह। सो इसलिए नुकसान ना पहुंचाएं, खुश रखें, और बिलखसूस ईद के मौके पे अगर आप किसी से नाराज हैं तो आप मान जाएं, अगर कोई आपसे नाराज है तो उसको मनाने की कोशिश, और अगर किसी ने ब्लॉक किया हो तो आप भी उसको ब्लॉक कर दें। ओके डन, चल बस। लेकिन आपकी आपकी बात पहुंच गई होगी उस तक। ठीक है डन। मेरा ख्याल है गाने की दरख्वास्त करें, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। Shut up.